नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं रत्नेश सोनी। व्यापम मामले के विसिल ब्लोअर ग्वालियर के आशीष चतुर्वेदी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक आरोपी को पकड़ा है जो भाजपा कार्यकर्ता बताया जा रहा है। गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस मामले की रिपोर्ट तलब की है। ग्वालियर निवासी आशीष चतुर्वेदी व्यापम मामले में एक अहम कड़ी है। आशीष की जान के खतरे को देखते हुए इन्हें कंटेनमेंट दिया गया है। इसके बावजूद ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। कार्ड लगाने गया था, चाय की दुकान पे रुका। कुछ लोग क्योंकि ये सफ़ेद गाड़ी से टाटा की गाड़ी थी, भाजपा का केसरिया और हरे रंग की प्लेट थी उस पर। उन लोग चार अट्ठे कट्ठे लोग आए, उन लोगों ने जैसे ही देखा गया तो ये आशीष चतुर्वेदी है। इसके बाद उसे गाड़ी गलत करने लगे। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है जो अपने आप को बेकसूर बता रहा है। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी रिपोर्ट तलब की है। ग्वालियर से न्यूज आज के लिए भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। न्यूज आज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज आज।